अच्छा कितने लोग अपनी अम्मी को सलाम करते हैं? अपनी अपनी माँ को कौन सलाम करता है? हाथ उठाए तो नजाम साहब ये उठाइए उठाइए, कितने लोग अपनी अपनी माँ को सलाम करते हैं? हम लोग भी करते हैं भाई। अब चलिए जब तक खरगोला भाई नहीं आते, अपनी अपनी माँ को सलाम करते हो? करते हैं आप लोग? क्या हाथ नीचे कीजिए। एक बार एक और, अपनी बीवी को कौन सलाम करता है? ये उठाया बंदा करता है। आ बेटा इधर आ जा, छोड़ दीजिए भाग में। नई नई शादी हुई है, नई नई शादी, इंग्लिश में करता हुआ, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ कीजिए। अच्छा मौलाना कादी साहब, फिरोज भाई, ये लोगों ने पूछा कितने लोग अपनी बीवी को सलाम करते हैं? एक को नहीं उठाया है। इधर पूछा, इधर पूछा, इधर सब करता है सब। मैं भी अपनी बीवी को सलाम करता हूँ, रोज करता हूँ मोबाइल पे, सलाम अलैकुम जाने हया। सलाम कर, आप करते ना भाई सलाम भाई, आप बीवी को सलाम करते ना? एक ही बार दे दो, टाइम नहीं है, दे दो जल्दी दे दो भाई, टाइम नहीं है, तो अगला सवाल पूछना है। अच्छा उनकी आपकी अम्मी है, अल्लाह जवारे रहमत का है। अच्छा इधर वाला कह रहे हैं तो हम लोग अपने बीवी को सलाम करते हैं, पूछे क्यों करते हैं? इनसे पूछे मौलाना नजामुल काजी, मौला फिरोज रहा, मौला फारूक, अपनी बीवी को सलाम क्यों करते हैं? जो डंग के चोट पे कहेंगे इसलिए अपनी बीवी को सलाम करते हैं। अपनी बीवी को सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे आका का सुन्नत है ना भाई। अब आप लोग बोलो अपनी बीवी को सलाम करते हो कि नहीं? नहीं करते हो तो कल से करो, कल जाओ, अभी अभी उठो, जलसा खत्म होगा जाइएगा, जैसे बीवी आएगी अस्सलाम वालेकुम बुला जाएगी, कथा कहेगी कल्चर दीवानी के बहकावे में आ गया, बाप बोलेगी कल्चर दीवानी बहका दिया, बहका रहे हैं, सलाम रोज करो, रोज शर्माएगी, सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, रात को करो, सोने से पहले सोने के बाद रोज करो सलाम। एक वक्त ऐसा आएगा कब तुमको सलाम करने की जरूरत नहीं, खुद ही तैयार रहेगी सलाम करने, खुद सलाम करने के लिए तैयार होगी और सुबह सुबह उठकर कहेगी अस्सलाम वालेकुम ऐ मेरे मोहब्बतों के ताज में, सलाम करेगी। सलाम करके जो सुबह उठेगा तो दिन भर जाने की तैयारी, आप जलसे में जाइए, कहीं जाइए, ड्यूटी में जाइए, वो आपको सुबह नाश्ता बनाएगी, जो कल नाश्ता बनता था रोटी आलू की सब्जी वो कैंसिल, अब बनेगा पराठा अंडा। क्यों ये रुतबा क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ा कि उस घर में सलाम शुरू हुआ, नबी की मोहब्बतों का जाम शुरू हुआ। जिस घर में सलाम होगा उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, उस घर में कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी, उस घर में कोई बेटी कुआं में नहीं डाली जाएगी, उस घर में किसी माहौल ऐसा बनेगा जैसे लगेगा यह घर नबी के चाहने वालों का घर है। तो चाह रहे थे कोई आए तब हम थोड़ा सा बचे। अब औरत भी खूब खुश होगी, बढ़िया अच्छा मौलवी आया है, मर्दों को बोल रहा है सलाम करने के लिए। मेरी माँ बोलो तुम इनसे पहले तुम तैयार रहना, इनने के ये अगर नबी के गुलाम है तो तुम भी हजरत फातिमा के गुलाम हो, तुम भी हजरत फातिमा के कनीज हो। ये मत समझना तुम भी कल सुबह जाना वो बन सवार के अपने शोहर को कहना सलाम वालेकुम मुन्ना क्या बात, ऐसा है कि होता है कि नहीं? सलाम कीजिए, सलाम का जवाब लीजिए, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। ना शरीफ एक और जामी से मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह एक और जामी हजरत जुबैर जामी के बाद हजरत जुनैद जामी। अरे क्या अच्छा अच्छा नाम आ रहा है यार, नाम इतना अच्छा, हजरत मौलाना अलहाज जुनैद जामी साहब बुला मदसिल हमानी तशरीफ रखते हैं। इन्हीं से मैं गुजारिश करूंगा भाई मेरे माइक पे आइए।
अरे हमें दीजिए भी 1 किलोमीटर दूर है। हेलो मधुपुर से चले चले हम नारा लगा जुनैद जामी साहब आ रहे हैं। जुनैद जामी साहब किबला से गुजारिश है माइक पर आइए मेरे भाई।